बॉम्बे. मैं बहुत टाइम के बाद बॉम्बे आई हूँ एंड स्पेसिफिकली फॉर लाइन्स क्लब बिकॉज मी एंड माई फैमिली वी हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन विद इट. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्सपेक्टेशन ये है दैट आई एम परफॉर्मिंग टुनाइट एंड आई एम मच लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज मैं काफ़ी टाइम के बाद बॉम्बे में परफॉर्म कर नया साल काम करते करते बीता एंड इट्स बीन वेरी लकी फ्रॉम द पास्ट टू ईयर्स एवर सिंस आई डेब्यूड हियर. Working, I was performing at Hyderabad where basically I'm doing my films and everything. So yeah, naya saal kaam karte karte bita. Lions Club Award mein main 3 time awards le chuka hu alag alag categories mein aur is baar 4 time mein main aa raha hu aur is baar main perform kar raha hu. Nomination mein nahi hu main, mujhe pata bhi nahi hai, I don't know ki hai ya nahi, but last year se main nominated hu yahan par aur awards bhi mile hain. लेकिन इस बार परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसकी उस बात की ज़्यादा खुशी. न्यू ईयर मैं ऐसा मानता हूँ कि डे वन में अगर आप कुछ काम करो तो ऑब्वियसली आप साल भर अच्छे से खुशी खुशी रहते हो. तो मैं वैसा नहीं हूँ कि 31st नाइट मना के दूसरे दिन सोता रहता हूँ. मैं न्यू ईयर के दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करता हूँ जो मुझे अच्छा फील हो. सो मैंने रिहर्सल शुरू कर दी थी यहाँ पर. मैं यही कहना चाहूँगा, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. अभी जाऊँगा अंदर, देखूँगा क्या क्या सीन है जी. हाँ मेरा अच्छी बात है, इतनी सारी माइक है. मेरा ऐप लॉन्च हुआ है आज ही रेमो डिसूजा के नाम पे और मैं अभी अभी लॉन्च करके आ रहा हूँ. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तब आपको पता चलेगा क्या क्या फीचर्स है उसका. सलमान सर ने बोला है ना, तो बस काफ़ी है. बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा 6th लाइन्स स्कूल अवार्ड है एंड हर साल मुझे नए गाने के लिए अवार्ड मिलता है. सो एम रियली एक्साइटेड, वेरी वेरी लकी फॉर मी. और इस बार एम एस धोनी के गाने के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं. सो आई एम दैट एक्साइटिंग मोड राइट. 17 में रिलीज़ होने वाले हैं. सो आई होप कि जितना प्यार अभी तक के सॉन्ग्स को मिला, आगे और भी ज़्यादा प्यार. अच्छी होती है, नहीं मिलता है तो आश्चर्य होता है. भगवान की कृपा है. और अभी दिलीप सर को अवार्ड मिला बेस्ट कॉमेडी कॉमेडियन का, और मुझे भी कॉमेडी के लिए अवार्ड मिलने जा रहा है. आसिफ जी को भी अवार्ड मिलने वाला है, आई थिंक मिल गया है, वो अभी आए हैं, आकर गए. तो लायंस क्लब के हम लोग बहुत ही आभारी हैं. उनके 100 साल पूरे हुए हैं, उसके लिए हमारे तारक मेहता की टीम की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ. और बस या लाइक टू सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड. और मेरी होम प्रोडक्शन की फिल्म आ रही है, आ गया है, पहली फिल्म है. और आप लोगों से प्रार्थना कहिए या यूँ कहिए कि ज़िंदगी है तो तकलीफ़ आती है, और जिस वक्त आप राइट डिसीज़न लेते हैं तो लोग कहा करते हैं कि आ गया हीरो. मेरी फिल्म का जो होम प्रोडक्शन की फिल्म है उसका टाइटल आ गया हीरो. और उम्मीद करता हूँ जैसे वर्षानुवर्ष आप लोग फिल्म पसंद करते आए हैं, आप लोग वैसे ही पसंद करेंगे इस फिल्म में. जैसे मेरे डांस में डांस नहीं होता, वैसे ही बिना बोले बात करता हूँ. वैसे इस फिल्म में बिना बोले बहुत सी बातें की है, और ऐसे कई सामाजिक आपको नज़ारे देखने मिलेंगे जिसका आपको इसमें एक अलग तरीके का नज़रिया देखने मिलेगा. साथ साथ नज़रिया आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद लग है कि आप अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर जगह पब्लिसिटी करने में लगे हुए हैं, परंतु सत्य यह है कि मुझे मेरा चित्रपट अच्छा नहीं लगे तो मैं कह देता हूँ. मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगा है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें आपको ऐसी देखने मिलेंगी कि उससे हल निकलेंगे. मुन्ना माई को फिलहाल 50% अभी इंटरवल तक हमने शूट किया. नाउ आई वर्क ऑन द सेकेंड हाफ. हाँ है, पर शेयर करना पड़ेगा क्या? वेल वन ऑफ देम इज़ आई लाइक टू एंटर द 100 क्रोर क्लब विथ वन ऑफ माई अपकमिंग फिल्म्स. मुझे लगा मुझे बेस्ट एक्टर मिल रहा है, फर्स्ट भारत अवार्ड मिल रहा है मेरे को, तो दैट्स ग्रेट. अगर मैं अपने इंडिया को क्लीन कर रहा हूँ मुझे उसका अवार्ड भी मिल रहा है, दैट्स सो स्वीट. एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू बी अ मोर सपोर्ट व्हाट मोदी जी हैज ट्राइड एंड व्हाट्स हैपनिंग. एंड दैट्स वेरी गुड. स्वच्छ भारत अभियान शुड बी वेरी क्लीन इंडिया.